लोकतंत्र बचाओ मोर्चा नागरिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र वाल्मीकि ने प्रथमा बैंक द्वारा ऋण की पूरी अदायगी न करने पर पीड़ित व्यक्ति का घर नीलाम किए जाने वाली प्रक्रिया को रोके जाने एवं आसान किस्तों में ऋण जमा कराए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पेश किया है। ज्ञापन में कहा गया कि महानगर के थाना दलशहीद अंतर्गत मोहल्ला असालतपुरा निवासी नबी अहमद ने प्रथमा बैंक से 2 लाख रुपए का ऋण लिया था, लेकिन परिवार में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर व अन्य समस्या आ जाने के कारण पीड़ित नबी अहमद ने ऋण की पूरी अदायगी नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण उनका घर नीलाम किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी से सहानुभूति पूर्वक विचार करके नीलामी की प्रक्रिया रोकने एवं आसान किस्तों में बकाया रकम अदा किए जाने की मांग उठाई गई है। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा नागरिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र वाल्मीकि एवं पीड़ित नबी अहमद ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। एक तरफ भारत सरकार लोगों को मकान दे रही है और ऋण के ऊपर बैंकें गरीब आदमियों के मकान नीलाम करने की धमकी दे रहे हैं। प्रथमा बैंक के मैनेजर गांधीनगर इस परिवार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लगातार पैसे जमा कर रहा था बंदा, लॉकडाउन की वजह से सारा कारोबार बंद हो गया बंदे का और 4 मौतें परिवार में हो गई। अब इस तरह से मैनेजर इनको पीड़ित कर रहे हैं कि ये आत्महत्या कर लें। अब थोड़ा सा इनको ढांढस बजाया कर सरकार के पटल पर, DM साहब के पटल पर इनकी समस्या को रखा जाए और सरकार ने से कहा जाए कि इसके साथ जो उसका नीलाम होने वाला घर है बचाया जाए। जो उत्पीड़न अत्याचार मानसिक उत्पीड़न मैनेजर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए कि इस तरह से लोन वसूली ना हो। अक्सर RCO में सेटलमेंट देखे हैं और कम मिनिमम दर पर लोगों को, गरीब लोगों को राहत देकर ऋणों की रिकवरी की गई है। तमाम उद्योगपति बैंकों का ऋण हजम कर रहे हैं, ऐसे गरीब लोगों के नीलाम किए जा रहे हैं मकान। हमारा अनुरोध है कि इसको न्याय मिले और कम से कम मिनिमम रकम पर इसका सेटलमेंट हो जाए। मैंने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था। कौन से बैंक से? प्रथमा बैंक गांधीनगर जी। मैं इसमें 2,15,000 रुपए जमा कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पर जबरदस्ती करा जा रहा है, मेरे घर को नीलाम करने की धमकी दी जा रही है, मेरे पर प्रेशर बन रहा है। कैसा लोग है लोन लिए? मैंने 2011 में लिया, मेरे घर में 4 मूर्ति हो गई है, उसके बावजूद भी मैंने पैसा जमा किया, कारोबारी हालात ख़राब होते चले गए, मैं जमा राशि फिर भी मतलब जमा की है मैंने। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कुछ सेटलमेंट हुआ, मेरी गुंजाइश हो जाए इसमें। आज किससे मिले थे आप? मैं DM साहब से। क्या मांग करी है आपने? DM साहब से मैंने यही मांग करी है कि इसमें जमा मैं पैसा कर चुका हूँ, मेरे पर जबरदस्ती करी जा रही है, मेरे साथ सेटलमेंट हो जाए इसमें। अब कितना बकाया आपके ऊपर? 1,72,000 दिखा रहे हैं बकाया है अभी। 2,15,000 उसकी आप चाहते हैं किससे बन जाए? समय मिल जाए मुझे इसमें और मतलब कि इसमें। इस मौके पर लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेता व पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम अंसारी भी मौजूद रहे।